पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा भाई, रॉड्स जो होंगे वो पैरेलल कनेक्टेड होंगे, यानी कि ऐसे अगर मान लिया जाए, कहानी कुछ ऐसा है, ऐसे इमेजिन करके देखो कि ये चार स्लैब्स हैं या फिर चार रॉड्स हैं अलग अलग, ठीक है ना। इनके एंड्स जो हैं, ये वाला एंड मान लो टेम्परेचर T1 पे है और ये वाला एंड किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, ठीक है ना। और तुमको गिवन है कि T1 ग्रेटर देन क्या है, T2 है, तो इधर से हीट फ्लो करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। इसका कुछ मान लो K1 एरिया, मान लो इसका A1, इसका मान लो K2 एरिया, मान लो A2, K3 A3, K4 A4, चाहो तो सेम भी मान सकते हो, चाहो तो अलग अलग मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। कुछ इस तरह से कहानी है। लेंथ इनका एक कॉमन मान लो, लेंथ इनका L है सपोज सबका, या फिर L1, L2, L3, L4, हालांकि लेंथ कॉमन ही रखते हैं क्योंकि दोनों एंड को क्या है, मतलब हर रॉड के एक एंड जो है वो T1 टेम्परेचर पे है और हर रॉड का दूसरा एंड जो है वो किस टेम्परेचर पे है, T2 टेम्परेचर पे है, तो दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। डायग्राम बना लो चाहो तो, क्या क्लास आ गया आज, ऑनलाइन नहीं किया, तबीयत खराब था। तुलसी क्या लाया घर से, क्या लाया घर से, घर से क्या लाया, घर क्यों गया था भाई, सब बोल रहा है ब्रेकअप हो गया था तेरा। लिखो लिखो, स्लैब्स आर इन पैरेलल इफ देयर एंड्स आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर। स्लैब्स आर इन पैरेलल इफ देयर एंड्स आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर। Their ends are maintained at same temperature. That means the temperature gradient across each rod is same. That means the temperature gradient across each rod is same. यानी कि T1 minus T2 का वैल्यू हर रॉड के लिए सेम है. That means the temperature gradient across each rod is same. ठीक है. पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस वाला याद है आपको, रेजिस्टेंस वाले में क्या होता था, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये R1, ये R2, ये R3, इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया करते थे, याद आ रहा है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या निकल के आता था, 1/R=1/R1+1/R2+1/R3, ऐसा कुछ निकलता था, सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड हो जाता था, यहाँ रेसिप्रोकल ऐड होता है ना। तो वैसा ही कहानी कुछ यहां पे होगा, मान लो इधर से हीट फ्लो कर रहा है आई थर्मल, तो मैं बोल दूं यहां से करंट I1 गया, यहां से क्या गया I2, यहां से क्या गया I3 और यहां से क्या गया I4। मान लो कि इस वाले का रेजिस्टेंस जो था वो R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था, इसका रेजिस्टेंस R3 था और इसका थर्मल रेजिस्टेंस जो था वो R4 था, लेट अस अज्यूम। तो क्या मैं I total = लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं I total = I1+I2+I3+I4 लिखा जा सकता है, अरे लिख सकते हैं। I1 का वैल्यू क्या लिखूं मैं, करंट क्या होता है यहां पे, मतलब थर्मल करंट, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो I1 का वैल्यू क्या मैं लिखूं, T1 - T2 / R1 लिख सकता हूं, तो I1 के जगह मैंने लिखा T1 - T2 / R1। सिमिलरली I2, टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम है तो T1 - T2 / R2। सिमिलरली I3 के जगह पे T1 - T2 / R3 एंड सिमिलर वे T1 - T2 / R4। अच्छा I total को क्या लिख सकता हूं मैं, T1 - T2 / इसका R इक्विवेलेंट जो मैं निकालना चाहता हूं, तो I total के जगह पे मैंने लिखा T1 - T2 / R इक्विवेलेंट। यहां से देखो तो T1 - T2 / R इक्विवेलेंट इक्वल टू, सबसे T1 - T2 कॉमन ले सकता हूं,
तो अंदर क्या आ जाता, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस 1 बाई आर फोर, और ऐसा लगता है टी वन माइनस टी टू सही हो गए। तो आपको मिल गया 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस 1 बाई आर फोर। ये कहानी है, ठीक है। तो अगर दो ही स्लैब होता, फॉर टू स्लैब्स, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखता मैं, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, तो यहां से इसका वैल्यू निकालते तो आपको मिलता आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन आर टू। तो इसको रेसिप्रोकल कर दे तो आर इक्विवेलेंट जो निकल के आता है क्या, वो आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ये तो हमने करंट में भी पढ़ा है, बिल्कुल सेम चीज है। जिसने करंट पढ़ा है उसको बहुत मजा आने वाला है, जिसने नहीं पढ़ा उसको करंट में मजा आएगा यहां के बाद, उसको याद आएगा कि अच्छा ये तो पढ़ाया था इसने। सो आर इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस के लिए आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर नहीं है क्या ये? अरे यार मास्क लगा के एक तो धोखा हो जाता है, ये आया नहीं हरामी आज। और R का वैल्यू क्या होता था याद है ना, क्या होता था, L बाई के ए। हाँ भूल मत जाना, R इक्वल टू L डिवाइडेड बाई के ए। हाँ जी एक सवाल लिखें, क्वेश्चन है एक, ये एक रॉड है, इसका रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रॉड रेजिस्टेंस है इसका R2, ये तीसरा रॉड इसका रेजिस्टेंस है R3, और ये चौथा रॉड जिसका रेजिस्टेंस है R4, ठीक। R1 का वैल्यू गिवन है आपको 6 डिग्री सेल्सियस पर वाट, इसका यूनिट होता था याद है। R2 दिया हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस पर वाट, R3 इज गिवन 2 डिग्री सेल्सियस पर वाट, एंड R4 इज गिवन 1 डिग्री सेल्सियस पर वाट। इसका ये वाला एंड जो है पूरे रॉड्स का, ये मेंटेन्ड है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो फाइनल एंड है इसको मेंटेन किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड R इक्विवेलेंट एंड I टोटल। आपको सबसे पहले निकालना है R इक्विवेलेंट और फिर निकालना है आपको I, I थर्मल। तो R डायरेक्टली दिया है तो कोई टेंशन है ही नहीं, फॉर्मूला लगा दो 1 बाई आर वाला। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हम जानते हैं सर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस 1 बाई आर फोर। अरे डॉक्टर साहब ऑपरेशन में ऐसे लेट पहुंचोगे तो पेशेंट मर जाएगा ना बे, टाइम से पहुंचा करो। मतलब अगर लीवर किडनी काट के निकाल दिया तब तुम पहुंचा। हाँ जी, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1। बोलो कितना रहे, एलसीएम वेलसीएम लो, 1 बाई 2 है, R इक्विवेलेंट कितना 1 बाई 2, सबका यही आ रहा है ना। चलिए तो R इक्विवेलेंट निकल गया तो हम जानते हैं I टोटल क्या लिख सकते हैं हम, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। तो लिख लो T1 माइनस T2, T1 दिया है 100, T2 दिया है 0, डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट निकल के आ गया हाफ, क्या 200 आ गया क्या, 200। यूनिट क्या होता था इसका,
एम्पियर मत बोल देना। अरे ये डी क्यू बाई डी टी होता था, आई क्या होता था, डी क्यू बाई डी टी, जूल पर सेकेंड, वॉट बोलो चाहे जूल पर सेकेंड बोलो। टू हंड्रेड जूल पर सेकेंड। चलिए आज आपको मैं करंट ही पढ़ा रहा हूं, बेसिकली हीट बस नाम का है, एक्चुअल कहानी जो है वो करंट है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हमने करंट में बहुत पढ़े हैं, जिनको मैंने करंट पढ़ाया उनको याद भी होगा। मान लो ये एंड है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहाँ पे पोटेंशियल दिया रहता था, यहाँ टेम्परेचर दिया है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये R है, ये 2R है, ये R है, ये 4R है, ये 2R है, और इस वायर में रेजिस्टेंस है 2R। ऐसे मान के चलो रॉड्स लगे हुए हैं, इनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको R का वैल्यू गिवेन है, R का वैल्यू गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस पर वाट। आपको निकालना है R इक्विवेलेंट एंड I, सेम क्वेश्चन, फाइंड R इक्विवेलेंट एंड I। आएगा, बिल्कुल आएगा, थोड़ी देर में लाते हैं अभी उसको भी, सब कुछ आएगा बच्चे, पूरा करंट रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे, मतलब दोनों में से कोई एक पढ़ लो तो दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। हालांकि तुमको तो दोनों पढ़ने के बाद भी जरूरत पड़ेगा, वो अलग बात है। क्रैश कोर्स में तुम था ना, तुम तो करंट पढ़ा है, पढ़ा तू भी थी, करंट तुम लोग पढ़े हो, आज देखना सारा चीज वही आएगा वापस से। सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालो, ये दोनों सीरीज, फिर ये वापस में पैरेलल, और फिर तीनों सीरीज। तो 2R और R हो गया बच्चों 3R, 4R और 2R हो गया 6R, दिख रहे हैं। तो अगर इसको बनाया जाए कुछ ऐसे, ऐसे बना लो आप, इधर आ गया 3R और इधर आ गया 6R और इधर चल रहा है 2R और इधर चल रहा है R, ये कहानी है। अब 3R और 6R पैरेलल में 2 होता है, 3 और 6 का 2 होता है, ध्यान रखना हमेशा, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, 18 डिवाइडेड बाई 9, 2 आता है, 3 और 6 पैरेलल में 2 आता है, दिमाग में फिक्स कर लो। तो इसका हो गया 2, तो बेसिकली कहानी क्या हुआ, R फिर 2R और फिर 2R, ऐसा कुछ। तो कितना हो गया 2R, R, 2R, 5R, तो R इक्विवेलेंट जो मिला वो कितना मिला, 5R। इसमें किसी को कोई दिक्कत, 5R, R का वैल्यू गिवन है भाई, तो 5 इंटू 10 कितना, 50 डिग्री सेल्सियस पर वाट, ये रहा आपका R इक्विवेलेंट। और I हम जानते हैं सर, I होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, T1 का वैल्यू दिया है, एक एंड 100 पे है, दूसरा 0 पे है, डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट निकला 50, कितना आ गया, 2 जूल पर सेकेंड, दिस इज आंसर। ये कुछ लोग इसको देख के अभी भी कोमा में हैं, तो इसके लिए बता दूं मैं, इसके लिए जो R इक्विवेलेंट आएगा 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाई 3R प्लस 6R, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दो के लिए, ठीक है। कुछ लोग अभी अजीब से नजरों से देख रहे थे, मुझे दिखाई दिया, तो ये हो गया 18R स्क्वायर और नीचे हो गया 9R, 9 से गया 2, R से गया 1R और ये मिलता है 2R, तो इसके बदले मैंने यहाँ 2R लिखा था, ठीक है। अब कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई, कुमार चला जाता है सब कुछ बोल दो तो। आज के बाद याद रखना 6 और 3 पैरेलल में 2 होता है, ये बार बार यूज होता है। मुस्कान की चमकान कहीं और, जाकिर खान याद है, बादल इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट बता दो, नेक्स्ट
ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इधर है 3R, इधर है 2R, इधर है 2R, इस रॉड में है 2R और इधर है 4R। यहाँ टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। R का वैल्यू गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस पर वाट। R इक्विवेलेंट निकालें और I निकालें। चलिए आर इक्विवेलेंट कितना पता नहीं सर। हाँ, आर इक्विवेलेंट कितना आया? 15/13R, सही है। सही है। हाँ जी, ये 2R 3R कितना हो गया? 5R। ऐसे सोच सकते हो तुम, रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये 5R है, यहाँ 2R है और इधर 2R + 4R 6R, ये कहानी है अगर रेजिस्टेंस के सिंबल में देखना चाहो तो। अब 5R 2R 6R पैरेलल में, हाँ जी पैरेलल में निकाल लो, निकाल सकते हो कितना? 1/R = 1/5R + 1/2R + 1/6R, यही ना। 6 2 5 का एलसीएम कितना होता है? 1/R तो कॉमन रखो, 26 होता है क्या? 5 2 6 का एलसीएम 30 होगा। अच्छा तो इधर कितना आएगा? 6, इधर कितना आएगा? 15 और इधर कितना? 5। तो 26/30R आ रहा है, नहीं 26/30R, यानी कि यूं बोल दो कि 13/15R, सबका यही आया। तो I का वैल्यू आ जाएगा सर, अच्छा सॉरी इसको उल्टा भी तो करना पड़ेगा, नहीं? ओके 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 ओके, समझ गया मैडम। R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? R तो नीचे रहेगा यहां पे, अरे तो अपने पास आ जाएगा 30R/26, यानी कि 15R/13, ये सही है। आई आई हो गया T1 - T2/R इक्विवेलेंट, तो T1 है 100, T2 है 0, डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट आ गया 15/13, और R का वैल्यू रख दो कितना था? 10, देखो कितना आ रहा है, 10 से 10 उड़ गया, 26/3 जूल पर सेकेंड, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, नोट डाल के चाहो तो दो बातें लिख दो। के इक्विवेलेंट कहीं कहीं पूछ लेता है बच्चों, के इक्विवेलेंट इन सीरीज, हालांकि जरूरत नहीं है इसका, पहले बता दूं। इन सीरीज में क्या होता है, के इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ एल बाई ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एल बाई के ए, याद है ऐसा कुछ। अगर टू रॉड्स हुआ, फॉर टू रॉड्स, तो के इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा, समेशन ऑफ एल बाई ए का मतलब समझ रहे हो, L1/A1 + L2/A2, और होगा तो और भी आएगा। और नीचे है एल बाई के, मतलब L1/K1A1 + L2/K2A2, ऐसा कुछ बनता है। अब इमेजिन करके देखो, अगर L1 = L2 हो, थोड़ा सोचना,
अगर L1 इक्वल टू L2 हो जाए और A1 इक्वल टू A2 हो जाए, इसको ऐसे लिख लो, L लिख लो इसको, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L बोल दे, लेंथ बराबर हो, एंड A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A बोल दे, तो क्या बनता है K इक्विवेलेंट? देखो कितना बनेगा, ब्लर हो गया, होना ही था इसको, ठीक है? तो जिसका ब्लर हुआ उसका नेटवर्क खराब है बच्चे। देखो L1 L2 की जगह L रखो, A1 A2 की जगह A रखो, तो देखो क्या मिलेगा, K इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा दैट विल बी L by A प्लस L by A डिवाइडेड by L by K1 A प्लस L by K2 A, ऐसा बनता? ध्यान से देखो, तो L by A ऊपर नीचे से शहीद होता हुआ दिख रहा है, पक्का? या सही करके दिखाऊं, L by A सब जगह से उड़ा, तो ऊपर बचता 1 प्लस 1 यानी कि कितना 2, और नीचे बचता 1 by K1 प्लस 1 by K2, तो ऐसा लगता है जैसे 2 K1 K2 divided by K1 प्लस K2। तो ख्याल रहे K equivalent, ये कहीं पे पूछा हुआ है तो मैंने भी बता दिया, अगर दो rods हो उनका लेंथ और एरिया सेम हो और सीरीज में कनेक्टेड हो तो 2 K1 K2 divided by K1 प्लस K2, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ता है, फिर से बता दे रहा हूं। अगर पैरेलल की बात करें तो उल्टा कहानी है इसका, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट जो आता है, याद रखने का तरीका, इसको ऊपर ले जाओ, नीचे वाला जो था इसको ऊपर ले जाओ और इसको उल्टा कर दो, यानी कि समेशन ऑफ के ए बाई एल डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लाओ और इसको भी उल्टा कर दो, समेशन ऑफ ए बाई एल, एल बाई ए था वहां पे, यहां पे आके क्या बन गया a बाई एल। अगर टू रॉड्स होता, फॉर टू रॉड्स, तो k इक्विवेलेंट अपन लिखने वाले थे, यहां पे देखो यहां पे आता k1 a1 डिवाइडेड बाई l1 प्लस k2 a2 डिवाइडेड बाई l2 डिवाइडेड बाई a1 बाई l1 प्लस a2 बाई l2, ठीक है? अब इसमें भी कंडीशन अगर डाल दें, दो मिनट और देखो, अगर बोला जाए कि l1 इक्वल टू l2 इक्वल टू l है एंड ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए है, देखना K इक्विवेलेंट ऊपर आता कितना K1 A by L प्लस K2 A by L, नीचे आता A by L प्लस A by L, A by L उड़ता हुआ दिख रहा है, तो A by L उड़ गया, ऊपर बचा K1 प्लस K2 और नीचे 1 प्लस 1 टू, तो यहां से जो K इक्विवेलेंट मिलता है बच्चों दैट इज K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई टू फॉर टू रॉड्स इन पैरेलल हुज एरिया एंड लेंथ आर सेम। लिख लो इसको, कहीं गलती से दिख जाए सवाल तो टिक कर देना। कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत हो तो बोल देना, शर्माना मत, मैंने उड़ा दिया, पता लगा तुम लोग उड़ गए, ए वाई एल उड़ा, कैसे उड़ा? हाँ तुलसी, घर गया क्यों था, बताया नहीं तू? सर बताने लायक नहीं है, छोड़ो, इट्स पर्सनल, नहीं पब्लिक है, पब्लिक में बोला जा सकता है, क्या था सर, मार आए बच्चा कुछ तो खिचड़ी पकाया है इसने, हेयर काट लिया क्या? ओ इसीलिए गया था तो इतना दूर, अरे गम में काटा, अरे तकलीफ हो रहा था बहुत ज्यादा तो हेयर पे गुस्सा निकाल दिया, बहुत सही, तो टकला हो जाता ना यार पूरा, थोड़ा छोड़ दिया तुम, है तुम क्या खुश हो रही है, तुम क्यों खुश हो रही है, तुम भी उस दौर से गुजरी है लग रहा है ना? सर ये रास्ता ही ऐसा है, कोई नहीं बच पाया है। हो गया लिखना,
हाँ जी, नेक्स्ट इज जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ हमने करंट में भी पढ़ा था, टोटल इनकमिंग, किसी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, या फिर यूं बोलो कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मस्ट बी जीरो, है ना। तो सेम चीज यहां भी होता है, कुछ नया थोड़ी है। एक रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा रॉड, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, इसका टेम्परेचर T1 मान लो, इस एंड का T2 मान लो, इस एंड का T3 मान लो। तो या तो टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करो, या फिर मान लो कि यहीं से करंट निकल रहा है, इस जंक्शन का टेम्परेचर मान लो कुछ Tm है, लेट अस अज्यूम, और मान लो कि यहां से करंट गया I1, यहां से करंट गया, सबको यहीं से निकाल दो, और यहां से गया कितना I3, तो मैं क्या लिखूंगा, एट जंक्शन हम लिखने वाले हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। व्हाट इज I1, I1 का वैल्यू क्या लिखें, Tm माइनस T1 डिवाइडेड बाय R1। व्हाट इज I2, Tm माइनस T3 डिवाइडेड बाय, सॉरी, T2 डिवाइडेड बाय R2। एंड व्हाट इज I3, Tm माइनस T3 डिवाइडेड बाय R3 इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम जंक्शन का टेम्परेचर वगैरह निकाल सकते हैं, बाकी सब अगर गिवन रहे तो जंक्शन में बस इतना ही करना होता है कि या तो एक जगह से पूरा करंट निकाल लो, और या तो फिर तुमको पता लग जाए कि टेम्परेचर किधर से, सॉरी, करंट किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। चाहो तो एक लाइन लिख लो, लिख लो, हियर वी कंसीडर दैट द टोटल इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट। हियर वी कंसीडर दैट द टोटल इनकमिंग हीट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग हीट। टोटल आउटगोइंग हीट, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। जैसे इस पे सवाल कैसे बनेंगे, ऐसे एक जंक्शन बना के आपको दे देगा, बोलेगा यहां टेम्परेचर है T1 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट पे टेम्परेचर T2 ले लो 50 डिग्री सेल्सियस, और यहां टेम्परेचर दिया है T3 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसका रेजिस्टेंस है 4R, इस रॉड का रेजिस्टेंस है 2R, और इस रॉड का रेजिस्टेंस है R, और अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर Tm है तो आपसे सबसे पहले पूछेगा Tm बताओ कितना होगा, और हो गया, बस Tm ही बताना है, बताओ। दिनेश मैथमेटिक्स न्यू मिलेनियम सुपर सिंप्लीफाइड, वाह, मैथ बेच रहा है कि कुछ और बेच रहा है ये। दिनेश पब्लिकेशन, जल्दी निकालो टीएम, कैलकुलेशन करो सब, आओ मत, जो कैलकुलेशन नहीं करेगा उसे सेंसर नहीं करेगा फाइनल।
कुछ हुआ क्या? अरे ठीक ही तो दिख रहा है। अरे ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई सबको? हाँ चलो ठीक। हाँ जी, तो आर 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 तो उड़ गया, एलसीएम नीचे 4 आ गया क्या? तो नीचे आ गया एलसीएम 4, तो यहां बचेगा टीएम माइनस 100, यहां 2 था तो 2 से गया, तो यहां पे आ जाता प्लस 2 टीएम माइनस 100, और ये 4 से जाता 1 था तो प्लस 4 टीएम और आता इक्वल टू 0। तो टीएम 2 टीएम 4 टीएम कितना हो गया? 7 टीएम। ये 4 उधर जाके 0 हो गया और 100 100 200 आरएचएस में जाके बन गया प्लस 200। तो ऐसा लगता है कि टीएम का वैल्यू 200 डिवाइड बाई 7 डिग्री सेल्सियस। सही बात, नोट करें जिनका नहीं हुआ था, जिनका हो गया बढ़िया है। एक चीज हम पढ़ते हैं, गेहूं पत्थर का ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल बोलो बेसिकली, पता नहीं किस हरामी ने नाम रखा है इसका, वीट स्टोन ब्रिज। गेहूं पत्थर का पुल, मिटा दूं ना? आइए, क्या होता है इसमें याद करें कहानी। हाँ जी, ये ए और बी, ये दो एंड है, मान लो किसी टेम्परेचर पे है, ये टी वन पे है और ये टी टू पे है, इसका रेजिस्टेंस आर वन, इसका आर टू, इसका आर थ्री और इसका आर फोर, और ये बीच वाले रॉड का मान लो आर फाइव है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है याद करो, इफ आर वन डिवाइडेड बाई आर थ्री इक्वल टू हो जाए किसके, आर टू डिवाइडेड बाई आर फोर के। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ये बीच वाला बेकार हो जाता है? क्या बीच वाले को हटा दिया जाता है? तो नया जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें इस बीच वाले का कोई काम नहीं है। इधर टी वन, इधर टी टू, इधर आर वन, इधर आर टू, इधर आर थ्री और इधर आर फोर, कहानी यहां पहुंच जाएगा, ये बीच वाला गायब हो जाएगा अगर ये रेशियो बराबर हो गया तो। और ये बराबर कैसे होता है? पोटेंशियल इसका सेम आ जाता है तो इसमें कोई करंट पास नहीं करता है। यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा दोनों एंड का, तो यहां से कोई भी करंट पास नहीं कर। अब ये आर वन आर टू सीरीज में आ गया और आर थ्री आर फोर भी सीरीज में, और उसके साथ दोनों किस में, पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा बताओ जरा? ये हो गया R1 प्लस R2, ये हो गया R3 प्लस R4, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, एक है R1 प्लस R2 और दूसरा है R3 प्लस R4, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यही था क्या? तो ये आ जाएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट आ गया तो I निकाल सकते हैं अपन, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। बात क्लियर है? इस पूरे को R1 मान लिया, इस पूरे को R2 मान लिया, अब दोनों पैरेलल में है तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 पैरेलल में। फिर से कुछ लोग कोमा में हैं, कोई बात नहीं, लेट देम स्टे इन सम टाइम्स। क्या इसको लिखना पहले, इसमें क्या ही लिखेगा, गेहूं पत्थर का पुल है, पुल को तोड़ देना है।
ताली वाली क्यों बजा रहे हो भाई? 4R 2R 2R R, ये कुछ सिचुएशन है। यहां पे R का वैल्यू दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस पर वाट, और आपको निकालना है R इक्विवेलेंट और I। चलिए बताइए, यहां से बीच में तो लगा दूं कुछ नहीं? ये मान लो 10R, हाँ 10R, आई का वैल्यू 10 जूल पर सेकेंड, सिक्स और इधर आ रहा है 3, 6 3 का 2, 100/2, 50 आएगा आई का वैल्यू, नहीं आर इक्विवेलेंट 2 आएगा, सही है। हाँ जी, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस सर, साफ साफ दिख रहा है सर, 4R/2R, पहले कंडीशन चेक कर लेना, ये बराबर आना चाहिए 2R/R के, this one by this one equal to this one by this one, तो दिख रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, 2 equal to 2R है, यानी कि ये WSB है, व्हीटस्टोन ब्रिज, और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये बीच वाला वायर का कोई काम नहीं है, तो स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, इधर 100 डिग्री सेल्सियस, इधर 0 डिग्री सेल्सियस, इधर 4R, इधर 2R, इधर 2R और इधर R। तो अब सिंपल देखो, क्या ये दोनों सीरीज 6R, क्या ये दोनों सीरीज 3R, और 6 और 3 बताया था अभी 2, तो क्या दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 2R हो गया, तो I का वैल्यू कितना हो गया 100 - 0/R इक्विवेलेंट, यानी कि 100/2R, R का वैल्यू रख दो कितना है 5, तो 10 100/10 कितना 10 जूल पर सेकेंड, दिस इज योर आई, और आर इक्विवेलेंट आ गया 2 × 5 कितना 2 × 5 10 डिग्री सेल्सियस पर वाट, सही बात? किसी को कोई तकलीफ? तो अभी तक हमने जितने भी सवाल किए बहुत बढ़िया थे, उसमें कहीं रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस कहीं कुछ वेरी नहीं कर रहा था, लेंथ एरिया सब कांस्टेंट था। अब हम आते हैं थोड़े वेरिएबल रेजिस्टेंसेस पे, ठीक है? आप लोग के कोमा में जाने का टाइम आ रहा है अभी, अब हम लेके आएंगे इंटीग्रेशन, हालांकि कुछ खास नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं। चलिए जी, पहला सवाल, चाहो तो हेडिंग लगा सकते हो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हीट कंडक्शन बिटवीन, हीट कंडक्शन फॉर वेरिएबल क्रॉस सेक्शंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हीट कंडक्शन फॉर वेरिएबल क्रॉस सेक्शंस, हीट कंडक्शन फॉर वेरिएबल क्रॉस सेक्शंस, हीट कंडक्शन फॉर वेरिएबल क्रॉस सेक्शंस, ठीक है? अब जैसे एक हॉलो स्फीयर है बच्चों, क्या है? हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर में कुछ ऐसा कहानी है, ऐसा है, ये बीच वाला पोर्शन खाली है, ठीक है? मान लो कि अंदर वाला रेडियस जो है वो R1 है और बाहर वाला रेडियस जो है R2 है, कुछ ऐसा कहानी है। अंदर वाला जो एंड है ये वाला, ये टेम्परेचर T1 पे है, और बाहर वाला जो एंड है पूरा सरफेस वो टेम्परेचर T2 पे है, और T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है, तो हीट किधर से फ्लो करेगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? अंदर से बाहर, बहुत बढ़िया। तो आपको निकालना है, बस खत्म कहानी, नहीं सवाल है, फाइंड R इक्विवेलेंट एंड I, R इक्विवेलेंट एंड I, थर्मल कंडक्टिविटी K गिवन है, मान लेना मटेरियल का, K इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल,
बाकी कुछ चाहिए नहीं। अब क्या हम डायरेक्ट टी वन माइनस टी टू बाई आर लिख सकते हैं क्या? क्या रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट रहेगा? रेजिस्टेंस हमने पढ़ा एल बाई के ए, यही पढ़ा ना, एल बाई के ए। क्या कहानी बदल रहा है इस बार? इमेजिन करो अंदर से हीट जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है हीट, ऐसे करेगा ना, ऐसे कर रहा है फ्लो, ऐसे कर रहा है। तो अब इमेजिन करके देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या एरिया बदल रहा है? अगर किसी सेक्शन पे यहां पे है तो एरिया कुछ और है, अगर इससे थोड़ा और आगे गए तो क्या एरिया बदल गया? क्या और आगे गए तो एरिया और बदल गया? यानी कि इस बार एरिया जो है वो क्या है? वेरिएबल है। तो डायरेक्ट एल बाई के ए लिखना गलत है। तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन, यहां से किसी दूर किसी पॉइंट पे जाके एक पतला सा स्फीयर काटते हैं। तो कहानी में क्या होगा, ध्यान दो इधर, सब लोग बोर्ड पे देखो। चलो ये अपना स्फीयर फिर से बना रहा हूं मैं, ये बड़ा रेडियस, ये छोटा रेडियस, यहां से ये सेंटर है। यहां से मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाके एक पतला सा स्फीयर लिया मैंने, ये आर डिस्टेंस पे जाके आर रेडियस का एक स्फीयर काटा मैंने, जिसका थिकनेस मैं ले लेता हूं कुछ कितना, डी आर, कितना थिकनेस ले लेता हूं, डी आर, ध्यान से सुनिएगा, ये थिकनेस है बच्चों डी आर। ये अब तुम्हारी निगाहें चिड़िया पे नहीं, चिड़िया की आंख पे, कहां पे, पूरा स्फीयर को तुम भूल जाओ, तुम देखो ये पतले वाले स्फीयर को जिसका रेडियस आर है और जिसका थिकनेस कितना है, डी आर है। अब इमेजिन करो यहां से हीट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे हीट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तुम चाहो तो रेजिस्टेंस अलग से निकाल सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट आई वाला एक्सप्रेशन यूज करो, वहां से भी काम हो जाएगा। अब जो हीट फ्लो कर रहा है उसके लिए बताओ लेंथ कितना होगा, लेंथ, लेंथ खाली इसको देखो, इस पतले वाले को, एल, एल जो रेजिस्टेंस में एल बाई के ए लिखा करते थे, एल का वैल्यू कितना होगा, अबे लेंथ, एरिया नहीं पूछ रहा हूं मैं, लेंथ। अरे यही तो है, इतना ही लेंथ तो क्रॉस कर रहा है ना वो। अरे रेजिस्टेंस में जो एल बाई के ए लिखा करते थे वहां पे एल क्या होता था, अरे गधों, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता था, ये एल होता था ना, यहां से हीट फ्लो करता था, हीट फ्लो डायरेक्शन में कितना लेंथ है, लेंथ का मतलब हीट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में लेंथ कितना है, एल। तो यहां पे इसको इमेजिन करके बताओ लेंथ कितना होगा, डी आर। अरे यही तो है, इतना ही तो लेंथ क्रॉस कर रहा है, डी आर। और रही बात एरिया की, तो एरिया ये हो गया, एरिया कौन सा होता है, हीट फ्लो के परपेंडिकुलर वाला, हीट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया, यानी कि ये वाला एरिया पूरा कितना आएगा, सरफेस एरिया इसका 4πr2, 4πr2। अच्छा आई का वैल्यू याद करो, आई का वैल्यू याद करो एक बार, क्या होता था, के ए टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई एल, यही होता था, यही होता था। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो आई इक्वल टू क्या लिखूं, माइनस के ए डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स या डी एल, ये लिखा था हमने, ये लिखा था। आइए तो मैं लिखता हूं आई इक्वल टू, आई इक्वल टू माइनस के ए, ए के बारे में बोलो एरिया कितना, 4πr2, एरिया कितना 4πr2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, इसके जगह पे कितना dx के जगह पे, क्या dr, dx के जगह पे कितना dr, देख रहे हो ना बोर्ड पे सब लोग देखो। अब r और dr को एक तरफ लेके आता हूं मैं, r और dr वाले टर्म को एक तरफ लेके आ रहा हूं, यानी कि ये पूरा टर्म, ये पूरा उठा के इधर लेता हूं इधर की तरफ, तो क्या इधर लाके लिख सकता था 1/k * 4πr2, ये पूरा ले आया इधर, i तो इधर पहले से था, रहने दो, dr को ले आया इधर, तो क्या इंटू डी आर लिख दू, आर एच एस में क्या बचा बताओ, क्या माइनस डी टी, क्या यही बचा, आई डिवाइडेड बाई के 4πi, ये तो कॉन्स्टेंट है बच्चों, 4kπi, आई बाई 4kπi कॉन्स्टेंट, बदल कौन रहा है, आर ही तो बदल रहा है ना, अरे हीट तो फ्लो तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा स्टेडी स्टेट में जाके, बदल कौन रहा है, आर, जैसे जैसे आगे जाऊंगा आर का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल कौन है,
आर, हु इज वेरिएबल आर, तो आर को रखो एक साथ, यानी कि 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इधर चल रहा है मार्केट में माइनस ऑफ डी टी, बोथ साइड कर दो इंटीग्रेट, ठीक। आर का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, अब अगला चीज आता है लिमिट, आर का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, जब सबसे छोटा होगा तो क्या ये वाला रेडियस आर वन होगा, और क्या जब सबसे बड़ा चला जाएगा तो कहां तक जाएगा आर का वैल्यू, आर टू तक जाएगा। तो क्या मैं आर का लोअर लिमिट आर वन लिखूं और अपर लिमिट कितना लिखूं, आर टू लिखूं। अब टेम्परेचर का लिमिट, इनिशियल टेम्परेचर कितना टी वन, मतलब अंदर टेम्परेचर कितना है टी वन, अरे जब रेडियस आर वन है तो टेम्परेचर गिवन है टी वन, और जब रेडियस आर टू है तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा टी टू। बोर्ड पे देखो सब लोग, आई बाई फोर के पाई कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, तो आई डिवाइडेड बाई फोर के पाई बाहर कर दिया, अंदर चल रहा है वन बाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट चल रहा है सर आर वन से लेके आर टू तक। आर एच एस में देखें, माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन टी वन से टी टू, यहां चल रहा है डी टी। अब वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आई होप कि सबको आता होगा, गलत उम्मीद मत किया करो सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर होता है माइनस 1 बाई आर, और इंटीग्रेशन 1 बाई आर होता है लॉग आर, ठीक है। बाकी जहां जरूरत पड़ेगा मैं बताता जाऊंगा, फिलहाल तो यही दोनों का जरूरत है हमें। आइए 1 बाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या माइनस 1 बाई आर लिखूं, तो आई बाई फोर के पाई बाहर चल रहा है अभी भी, यहां आ गया माइनस 1 बाई आर, और इसमें लिमिट है बच्चों आर वन से लेके आर टू तक। आर एच एस में देखो, माइनस बाहर चल रहा है, डी टी का इंटीग्रेशन कितना टी, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है वैसे डी टी का इंटीग्रेशन कितना टी, और इसमें लिमिट चल रहा है सर टी वन से लेके टी टू तक, ठीक। ये माइनस को चाहो तो बाहर ले लो, नहीं लो तुम्हारी मर्जी है। आई डिवाइडेड बाई फोर के पाई, फोर के पाई, हाँ जी, ये माइनस को बाहर निकाल लो यार, झमेला करेगा, इसको बाहर ही निकाल लो, ठीक है, हाँ रन दो। अभी देखो यहां मान लो 1 बाई आर है, तो सबसे पहले आर की जगह अपर लिमिट रखते हैं कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट, तो सबसे पहले आर की जगह आर टू आया, तो यहां पे आया 1 बाई आर टू माइनस साइन 1 बाई आर वन, और सेम कहानी आर एच एस में बच्चों, माइनस बाहर चल रहा है, सबसे पहले अपर लिमिट टी के जगह पे टी टू माइनस लोअर लिमिट कितना टी वन। अब ध्यान से देखो इधर बोर्ड पे सब लोग देखते रहना, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, तो अपने पास बचा आई डिवाइडेड बाई फोर के पाई, यहां पर एलसीएम ले सकता हूं क्या, कितना आर वन माइनस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन आर टू, और आर एच एस में चल रहा है कितना टी टू माइनस टी वन। एक काम करते हैं, यहां से एक माइनस कॉमन करते हैं और यहां से एक माइनस कॉमन करते हैं, और दोनों माइनस उड़ जाएगा तो क्या मिलेगा बताओ, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है हमें, मिलेगा सर आई डिवाइडेड बाई फोर के पाई, 4k पाई इंटू, क्या मैं इसको लिखूं r2 टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर टू, और बदले में इधर t1 वन माइनस टी टू लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे तो i निकालना है, i निकालना है, तो बाकी चीजों को क्या आर एच एस में भेज दूं, किधर भेजूं, इधर भेजता हूं, यहां देखना i इक्वल टू बताओ कितना आता t1 वन माइनस टी टू, बोलो इंटू, डिनोमीटर वाला ऊपर गया, कौन 4k पाई इंटू आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन। अब ध्यान से देखो, थोड़ा और डेकोरेट कर रहा हूं, i इक्वल टू टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई, क्या मैं इसको सबको नीचे ले आऊं तो मैं लिख सकता था आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई 4k पाई आर वन आर टू, क्या ऐसा लिखा जा सकता था, ये आ गया आपका i, और I में T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई जो होता है वो कौन होता है R इक्विवेलेंट। तो अगर तुमसे कोई R इक्विवेलेंट पूछे तो मिल गया कितना R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4K पाई R1 R2, दिस इज R इक्विवेलेंट। आई होप कि बहुत लोग कोमा में होंगे अभी भी, तो चलिए शुरू हो जाइए, कहानी यहां से है, ये लास्ट में लिखना है, पहले मत लिख देना इसको, यहां से उधर फिर लास्ट में इधर, ठीक है। तुम चाहो तो सिर्फ रेजिस्टेंस पहले निकाल सकते थे और उसके बाद फिर टी वन माइनस टी टू बाई आर इक्विवेलेंट करते, तो आर इक्विवेलेंट आया वही आता।
आना जरूरी है। राकेश सर, हाँ राकेश सर, बैंक लेके बेचारे
रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। बीवी बच्चा, बीवी का साड़ी, बीवी का चूड़ी, बच्चे का पढ़ाई, बच्चे का पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, उससे अच्छा है बच्चा दुनिया में आने दो। पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे कंट्रीब्यूशन की बिल्कुल जरूरत है। और तुम मुकेश अंबानी को बोले चलिए एक और करते हैं। इस बार लेते हैं एक सिलेंडर। तुम लोग करो, मेरे से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग करो। तुमको बहुत शौक है अपना जिंदगी बर्बाद करने का। हम तुम्हारी शादी में आएंगे नाचने के लिए। चलो भाई, एक हॉलो सिलेंडर है, अभी डिस्कस मत करो, शादी बाद में डिस्कस करना अपना। सब एक्साइटेड हो गया, यस शादी करेंगे सर। देखो इधर गधा सब। बहुत लोग तो पढ़ाई भी इसलिए करता है कि शादी करेंगे सर, लड़की अच्छी मिलेगी, है ना साजिद? चल भाई, एक हॉलो सिलेंडर है, इसका अंदर वाला रेडियस जो है वो R1 है और बाहर वाला जो रेडियस है वो R2 है, R2 है, ठीक। हीट फ्लो कर रहा है तुम्हारा अंदर से बाहर की तरफ, अंदर टेम्परेचर T1 है, बाहर टेम्परेचर T2 है और T1 ग्रेटर देन T2 है। चलिए फाइंड आर इक्विवेलेंट। बहुत लोग को मैंने देखा है माँ बाप को बात करते हुए, ठीक से नहीं पढ़ेगा, अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा तो लड़की कौन देगा तुमको, कौन देगा लड़की? इसलिए यहां के लोग बड़े चालू होते, पहले फिक्स कर लेता है, हमारा तो है, चलो है ना। चलो मुद्दे पे आते हैं। अभी हीट फ्लो कर रहा है अंदर से बाहर की तरफ, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे निकल रहा होगा चारों तरफ से, ऐसे 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 जा रहा है। हाँ जी, ऐसे कुछ जा रहा है कहानी। तो फिर से कहानी वही है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एरिया बदल रहा है, बदल रहा है नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। तो चलिए शुरू हो जाइए कहानी। आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा सिलेंडर मानो, जैसे वहां पे स्फेयर में स्फेयर माना था, यहां सिलेंडर में एक सिलेंडर मानो। यहां से आर डिस्टेंस पे जाके डायग्राम फिर से बनाऊं क्या? इसी में बना देता हूं, तुम लोग फिर से बनाना भाई डायग्राम, मैं इसी में बना रहा हूं। यानी कि आर रेडियस वाला डीआर थिकनेस का एक सिलेंडर रिज्यूम करो, यहां से आर पे जाके ऐसा एक सिलेंडर, ऐसा जिसका थिकनेस होगा डीआर। हाँ जी, ये वाला सिलेंडर सबको दिखा, जिसका रेडियस हमने लिया है R और इसका थिकनेस हमने लिया है dr। चलिए दिखाई दिया सबको, R पे जाके dr थिकनेस का एक सिलेंडर मान लिया मैंने अपनी मर्जी से, ठीक है। अब इसमें हीट फ्लो कर रहा है ऐसे 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 की तरफ, तो क्या होगा, लेंथ कितना dr और एरिया कितना 2πRL, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πRL, ये तो पता है ना, 9-10 में पढ़ा होगा। हाँ जी चलिए लगाते हैं, इसका लेंथ मान लो कुछ दिया हुआ है L, लेट अस अज्यूम इट्स लेंथ इज L। चलिए आइए लगाते हैं। हमने पढ़ा सर I इक्वल टू -KA dt/dx, यही पढ़ा, तो I इक्वल टू -K एरिया, एरिया मैंने लिखा सर 2π, इसका रेडियस है स्मॉल r, लेंथ दिया है L, ठीक है 2πRL इंटू dt डिवाइडेड बाई क्या, dx के जगह पे dr लिख दो, फिर से वही काम। चलो करो,
सबको एक तरफ ले जाओ, dt को खाली इधर छोड़ो, ट्राई करो। लेके आए सबको एक साइड, I डिवाइडेड बाई 2 के पाई एल, ये सारा कांस्टेंट है भाई, इंटू 1 बाई आर, और ये डी आर भी इधर आया इंटू डी आर, और आरएचएस में बचा माइनस ऑफ डी टी, दिख रहा है? चलिए बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट बताओ, आर ही तो वेरिएबल है फिर से, ये तो कांस्टेंट आ गया, I डिवाइडेड बाई 2 के पाई एल, ये कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाई आर डी आर, और इधर माइनस बाहर कर लो तो इंटीग्रेशन डी टी। फिर से देखो R का लिमिट, सबसे छोटा जो होगा क्या R1 और सबसे बड़ा R2, तो लिमिट गया सर R1 से R2, और टेम्परेचर वापस T1 से T2, और 1 बाई आर का इंटीग्रेशन तो बता ही दिया तुमको, I डिवाइडेड बाई 2 के पाई एल, ये बन गया सर लॉग R। अच्छा लॉग आर बेस नहीं लिखा है, मतलब ई है, एल एन आर लॉग आर दोनों सेम चीज है, अगर बेस नहीं लिखा है तो मतलब समझना बेस ई है, मैथमेटिक्स वालों को पता है, मेडिकल वालों समझ जाओ, तुम चाहो तो यहां बेस लगा लो या फिर एल एन लिख लो, चलो मैं एल एन लिख देता हूं, वरना तुम बाद में कंप्लेन करने आ जाओगे बेस कहां है, एल एन आर है ये, ठीक, और इसमें लिमिट है बच्चों आर वन से लेके आर टू तक, और यहां पे माइनस बाहर dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट है बच्चों t1 से लेके t2 तक। चलिए तो I डिवाइडेड बाय 2 के पाई l, सबसे पहले r2 रखा तो ln r2 माइनस ln r1, r की जगह एक बार r2, बीच में माइनस साइन, r की जगह r1, और यहां पे आ गया माइनस ऑफ कितना t2 माइनस t1, ये माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये t1 माइनस t2 बन जाएगा, तो I डिवाइडेड बाई 2 के पाई एल इंटू, अच्छा log m माइनस log n, log m बाई n, क्या मैं इसको R2 बाई R1 लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता वो कोमा में रहो, और ये हो गया T1 माइनस T2, माइनस को अंदर भेज दिया, तो यहां से देखो I का जो वैल्यू आया T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एक तो ये ln R2 बाई R1, और ये उधर चला जाएगा इंटू कितना 2k पाई l, इसको इधर भेजा मल्टीप्लाई हो गया और ये आके डिवाइड हो गया, और इसको डेकोरेट करना करके लिखना चाहो तो t1 माइनस t2, टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर रखो बाकी सबको नीचे ले आओ, ln r2 बाई r1 डिवाइडेड बाई 2k पाई l, दिस इज योर i, और यहां पे t1 माइनस t2 के जो नीचे है वही कौन है r इक्विवेलेंट, दैट मीन्स ln r2 बाई r1 डिवाइडेड बाई 2 के पाई एल, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज आंसर। नोट करें, हो गया भाइयों, ऑनलाइन वालों सुनाई दे रहे हैं,
एक और किया जाए ऐसा, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत ना भी हो तब भी करेंगे। ये वाला सवाल ले लेते हैं, बाल्टी बाल्टी वाला। एक बाल्टी है उलट के ऐसे रखा हुआ है, ये सॉलिड बाल्टी है, हॉलो नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मतलब इसके अंदर मटेरियल है। इसका लेंथ है L और इसका ये वाला जो छोटा वाला जो है इसका रेडियस A है और ये जो रेडियस है ये B है। ये कहानी है। और कुछ दिया है क्या? इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है, T1 is greater than T2, थर्मल कंडक्टिविटी K है, बाकी कहानी आप जानते हो क्या करना है आपको। हीट किधर से फ्लो करेगा? T1 से T2 की तरफ, यानी कि लेफ्ट से राइट, इधर। यस सर। इस कहानी में एक छोटा सा दिक्कत आता है, क्या वेरिएबल दो हो जाते हैं, तो दो वेरिएबल को एक में रिड्यूस करना होता है। तो चलो कोमा में नहीं जाते हैं, सॉल्व करते हैं, साथ साथ करेंगे, समझते जाओ। मैथमेटिक्स का एहसास होगा अभी तुमको थोड़ा थोड़ा। चलो ध्यान दो, हीट इधर से उधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हमने क्या किया, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक ऐसे पतला सा स्ट्रिप काटा जिसका थिकनेस कितना लेता हूं मैं, डीएस। कितना लेता हूं? डीएस। काट लिया। ये बेसिकली जो तुमको दिख रहा है ये एक सर्कल है, ठीक है। तुमको पतला रेक्टेंगल जैसा भले दिख रहा है लेकिन एक्चुअली इधर से देखो तो ये क्या है, सर्कल है। फील कर पा रहे हो? और हीट ऐसे फ्लो कर रहा है इधर से इधर की तरफ, ऐसे जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले ध्यान देते हैं इसके ऊपर, इसका रेडियस कुछ होगा। अगर ये सर्कल है जिसका कुछ रेडियस होगा जी, इसके रेडियस को क्या मान लेता हूं मैं, आर, ठीक है। कहानी आर निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ही निकालते हैं उसमें थोड़ा। हमें पता है कि R जो होता है वो कितना होता है, L by K A, यही होता है। तो मैं इस छोटे से पार्ट के लिए dr निकालना चाहता हूं, dr 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 के लिए लेंथ कितना, dx। अरे ये तो दिख रहा है, लेंथ कितना, dx डिवाइडेड by K, तो K है कांस्टेंट रहेगा। एरिया कितना होगा इसका, ऐसे हिट जा रहा है और ये एरिया है, कितना मिलेगा इसको, पाई r स्क्वायर। रेडियस कितना है आर, तो ए के जगह पे आ गया कितना, पाई आर स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है, देखो इस वाले में दिक्कत क्या है, एक्स तो वेरिएबल है ही, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एक्स बदल रहा है, क्या आर भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रेडियस भी तो बदल रहा है, डिस्क का एक्स भी बदल रहा है, तो एक्स भी वेरिएबल और आर भी वेरिएबल, तो दोनों को कन्वर्ट करना होगा किसी एक में, है ना। तो क्या करते हैं हम, ये देखो ये वाला ट्रायंगल देखो सब बोर्ड पे, ये राइट हैंड में ट्रायंगल सबको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको उठा के मैं इधर लेके आता हूं, तब तो बोर्ड पे देखना, वरना कोमा में जाओगे देखोगे तब भी जाओगे, फिर भी देखो ये वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो। अच्छा जी, एक बीच में ऐसे है ये वाला, इसको ऐसे बना दिया। चलो बताओ ये पूरा लेंथ L था, ये लेंथ कितना था, x, दिख रहा है ये x था सर, तो ये कितना बचा, L माइनस x बचा। अच्छा ये कितना था, sir, ये वाला, ये टोटल R, ये A है, तो ये वाला कितना, R माइनस A, और ये कितना भाई, ये वाला, और ये टोटल B है, और यहां तक ये है, तो ये कितना, B माइनस है, सबको दिखाई दे रहा है, सिमिलैरिटीज लगा दें, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड कौन, b माइनस a डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड कौन, r माइनस a, मस्ट बी इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड ले लो पूरा l का डिवाइडेड बाय इसका कितना x। क्या मैंने सही लिखा, सही लिखा। अच्छा एक काम करते हैं, x को इधर लाते हैं और ये r माइनस a को उधर भेज रहा हूं, इधर हो गया b माइनस a इंटू x। क्या हुआ,
तो डरा दिया फिर काम ऐ चलो देखो बोर्ड पे देखो, कुछ हुआ नहीं ना, पहले से था, जिंदा रहेगी ना, ओके फिर मैनेज कर लेंगे। चलो x को इधर लाया और इसको उधर भेज रहा हूं मैं, उधर जाके बना l इंटू कितना r माइनस a, चाहो तो ऐसे लिख लो b माइनस a इंटू x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं l इंटू r माइनस l इंटू a। हमें तो dx चाहिए, dx कब आएगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू आर कर देता हूं, चलो विथ रिस्पेक्ट टू किसके आर। तो देखो बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी आर, अरे जैसे वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, वैसे एक्स को डिफ्रेंशिएट करें आर के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स बाई डी आर आएगा। आर एच एस में देखो एल आर का डिफ्रेंसिएशन क्या एल हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर का वन हो गया, और ये कांस्टेंट है एल इंटू ए, इसका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो अपने को क्या मिला भाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेज दूं एल इंटू क्या डी आर, दिख रहा है ये सबको, दिख रहा है बोर्ड पे देखो, लिखो मत क्या जान दो। अब वापस वहां आते हैं, अपने पास था डी आर इक्वल टू, अच्छा डी एक्स डिवाइडेड बाई के पाई आर स्क्वायर, डी एक्स बाई के पाई आर स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं dx का वैल्यू यहां से रख देता हूं, यहां से dx का वैल्यू कितना आएगा l इंटू डी आर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो मैंने क्या किया डी आर इक्वल टू dx के जगह पे रखा l इंटू डी आर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और पहले से जो चल रहा है उसको रहने दो k पाई आर स्क्वायर, ठीक है सब कुछ पहले जैसा है, बस dx के जगह पे मैंने रख दिया डी आर बाई बी आई माइनस ए बी माइनस ए, ठीक है। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे, ध्यान देना बोर्ड पे, तो dr का इंटीग्रेशन बाद में r लिख लेंगे, फिलहाल छोड़ो। इसमें कांस्टेंट कौन कौन है देखो, l कांस्टेंट है, b माइनस a कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ये सारे के सारे आ गए बाहर। अंदर इंटीग्रेशन में कौन बचा, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट बताएं, r का लिमिट r r r, इसका लिमिट जब यहां रहेगा तो कितना a, और जब मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो b। तो क्या इसका लिमिट मैं a से b लिख दूं, a से लेके b, ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ dr को मैं r बोल देता हूं, टोटल रेजिस्टेंस का सम r बोल दिया इसको। RHS पे ध्यान दो, l बाई के पाई b माइनस a, बोर्ड पे देखते रहो, इंटू वन बाई आर स्क्वायर, थोड़ी देर पहले बताया कितना माइनस वन बाई आर, माइनस को बाहर कर लेता हूं पहले, यहां बचा वन बाई आर, लिमिट चल रहा है भाई a से लेके b तक, तो r कितना आया देखो माइनस एल डिवाइडेड बाई के पाई बी माइनस ए इंटू क्या वन बाई बी माइनस वन बाई ए, सही बात है। चाहो तो यहां पे कितना आएगा, अच्छा ये माइनस को इसके साथ अंदर भेज दूं तो क्या मिलता बताओ, l डिवाइडेड बाई के पाई, क्या मैं इसको a माइनस बी लिख सकता था, ओके अंदर एलसीएम ले लूं तो क्या a माइनस बी डिवाइड बाई ए बी, क्या a माइनस बी ने a माइनस बी को मार दिया, r कितना दिखा, जगह ही खत्म हो गया, लिख लो दिखाई दे रहा है, तो r r का वैल्यू आ गया l डिवाइडेड बाई k पाई ए बी, तो i कितना आ जाएगा t1 वन माइनस टी टू बाई आर, नोट करो पहले इसको। हाँ R इक्वल टू लगेगा, तो हमने वेरिएबल लिया ना इसको, हम तो इस छोटे से पार्ट का निकाल रहे हैं और उसके बाद इंटीग्रेट कर रहे हैं, L बाई ए बाई के थोड़ी लगा रहे हैं, हमने तो dx बाई के इंटू डी ए लगाया, किसके आगे कभी, तुम लोग लिखो तुम लोग लिखो, हेलो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, वहां पे भी तो वही किया हमने, तुम चाहो तो पहले r निकाल लो l बाई के और उसके बाद t1 वन माइनस टी टू बाई आर, सेम ही आएगा बच्चे, वही काम कर रहे हैं हम,
नोट करो। तो ये सेम सवाल आपको जितने भी मैंने कराए आज सारे के सारे कहां मिलने वाले हैं वापस? करंट में, घर में नहीं मिलेगा। करंट सर पढ़ाएंगे तो नहीं आते हैं। हाँ मेरे वीडियोस में भी मिल जाएंगे। करंट का तो नहीं करते। रिवेटेड एग्जामिनेशन नहीं मिला? तुम लोग ग्रुप में एक बार मैसेज करके मान क्यों नहीं लेते हो? ये तुम लोग का रिस्पांस है। ओनली एडमिन कैन सी। ओह यू आर लॉक्ड। यस थोड़ी खुशी हो आगे लिख लेना। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख ही देता हूं। सो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई के पाई ए बी और आई का वैल्यू आ जाएगा बच्चों टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। लिख लेना। और ये रिजल्ट हो सके तो डायरेक्टली याद रखो, बहुत सारे जगह काम आएगा ये। डायरेक्टली कहीं कहीं पूछ लिया जाता है तीनों का। हाँ तीनों का यार स्टैंडर्ड है। हॉलो स्पेयर, हॉलो सिलेंडर और ये बाल्टी। खाओ क्या है? हाँ हाँ वहाँ का लड्डू। फिर सॉलिड स्पेयर का बहुत टफ होगा। सॉलिड स्पेयर का, सॉलिड स्पेयर का टफ नहीं होगा बच्चे, निकाल के कोशिश करो। टफ क्यों होगा? अरे हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर दिक्कत है नहीं। ठीक है आज के लिए इतना ही, बाकी निकल सर।